नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। सूखे नाले में युवती की जली हुई लाश मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। युवती की नहीं हो पाई शिनाख्त। डॉक्टर ने बताया कि युवती को गला दबाकर उसे जलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा के दर्जन भर आदिवासी गांव का किया दौरा। अपनी जीत के लिए ग्रामीणों का किया आभार व्यक्त। शिवराज बोले, मेरा जीवन आप सभी की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। नसरुलागंज के मीना समाज मित्र मंडल ने महक गार्डन में किया बैठक का आयोजन। कई जिलों से पहुंचे समाजजन। समाज ने लिया दहेज न लेने का संकल्प और बच्चों की शिक्षा पर दिया जोर। सीतापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सूर में एक सूखे नाले में युवती की जली हुई लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि बोरी में बंद युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टर ने बताया कि युवती को गला दबाकर उसे जलाया गया है। युवती की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती का चेहरा और शरीर पूरी तरह से जल चुका है। सरगुजा से अरमान रजा की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस ने अर्बन नेटवर्क के एक बड़े सूत्रधार को दबोच कर नक्सल मोर्च में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सल सहयोगी भारत सरकार के एक विभाग में शीर्ष अफसर के पद पर कार्यरत है। राजनांदगांव पुलिस ने बाघ नदी क्षेत्र में जिले में दाखिल होने के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी एक बड़ा नक्सल कैडर है। वह नक्सल संगठन में शीर्ष स्तर के पदाधिकारियों में गिना जाता है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा के दर्जन भर आदिवासी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत के लिए ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। वहीं ग्राम सुरई आमडोह से ग्रामीणों से मिलने के लिए मोटरसाइकिल पर पहुंचे और अपने विचार साझा किए। आदिवासी अंचल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि अभी टाइगर मामू छे। ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा जीवन आप सभी की सेवा के लिए समर्पित है। मैं जब तक जीवित रहूंगा राजनीति के माध्यम से आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। सभी गांव वालों ने शिवराज सिंह चौहान का भारी उत्साह के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह भी मौजूद रहे। आपके बीच में पधारे हैं। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजा के माननीय हमारे जननायक का स्वागत करें। मामा जी सुराई भी चलो। देखिए मेरी खुशी जनता की खुशी में। अगर तुम कह रहे हो तो चलो, टाइम बहुत कम है, क्योंकि चौथा गांव है यार। पहले कुछ ही नहीं थे, अपन विधायक भी नहीं थे, तब भी लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे, घेर देते थे। अभी ने गड़बड़ की और घेरो, मैं साथ रहूंगा आगे आगे, सही कर देंगे अपन, चिंता मत करना। बिल्कुल लड़ लड़ के करूंगा काम। और इसलिए कुछ चीजें मुझे अभी बताइए, नरेला पंचायत की भील पार्टी की भी सरपंच बहन भी बैठी है। योजना बंद नहीं होने दूंगा। मेरे भांजे भांजियों की पढ़ाई के लिए फीस मैंने कॉलेज तक की, मेरे पूरी मामा भरेगा। ये बंद करेंगे तो ईट सीट बजा दूंगा भांजे भांजियों, चिंता मत करना। तो बिजली के बिल मैंने भरे, अब ये महंगी नहीं होने दूंगा। 100 रुपया में दो कहूंगा। और गेहूं पे 2100 रुपया क्विंटल पैसा धर के जाऊंगा। सोयाबीन पे 500 रुपया क्विंटल डलवाने का। चना मसूर उड़दा महाराज तो कितने 2-2.5 हजार रुपया क्विंटल डाले। अब देखे ये क्या करते हैं। और कर्जा माफी ये कह रहे हैं। अब पहले तो सबकी करेगा,
वोट ले लिए, अब कहने लगे नहीं वो फसली ऋण पात्रता के अनुसार 31 मार्च तक डिफाल्टर, मैंने कहा 31 मार्च तक नहीं, अब तक के पूरे करवाऊंगा। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज के मीना समाज मित्र मंडल के द्वारा एक सामाजिक बैठक महक गार्डन में आयोजित की गई। इस बैठक में नसरुल्लागंज तहसील के अलावा होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, सीहोर, देवास और हरदा जिलों से मीना समाज के वरिष्ठ जन, पदाधिकारी एवं समाज जन मौजूद रहे। मीना समाज मित्र मंडल ने नसरुल्लागंज के महक गार्डन में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में समाज के सभी लोगों ने मिलकर संकल्प लिया कि हम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करेंगे और बच्चों की शिक्षा पर जोर देंगे, इसे हमारे बच्चे समाज और देश का नाम दुनिया में रोशन कर सकेंगे। इसके अलावा समाज में व्याप्त बुराइयां, दहेज प्रथा, शादी विवाह, रसोई में व्यर्थ खर्च करने पर रोक लगाने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया। मीना समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सिंह वर्मा ने सभी लोगों को हाथ ऊपर उठाकर संकल्प दिलवाया। अपनी योग्यता के आधार पर वकील साहब ने कहा शादी करना चाहिए। मीना समाज मित्र मंडल नसरुल्लागंज की ओर से आयोजित यह मीना समाज सम्मेलन आज बहुत ही सफल रहा है। इस सम्मेलन में सीहोर जिले के अलावा देवास, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, आपके हरदा आदि जिलों के भी हमारे प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने ये हमारे समाज की कुर्तियों को मिटाने के लिए ये संकल्प लिया है। सब ने एक मत से होकर हमारे यहाँ ये प्रस्तावों को पास किया है। किस प्रकार के प्रस्ताव थे, क्या कुर्ती है समाज की? हमने विशेष रूप से समाज में जो फिजूल खर्ची हो रही है, समाज में जो ज़्यादा यानी जो है उसको क्या कार्यक्रम रखा था आज मीना समाज मित्र मंडल द्वारा समाज में कुरीतियाँ चल रही है इसको लेकर कार्यक्रम रखा गया है और सभी ने उसमें सहयोग किया है। हरदा जिला, खंडवा जिला, होशंगाबाद, सीहोर, देवास सभी जिलों से लोग आए और प्रस्ताव को जो रखा उन्होंने सबकी स्वीकृति दी है। किन किन लेकर प्रस्ताव रखे गए? जैसे दहेज प्रथा बहुत चल रही है, कुरीतियाँ है इसमें और लगते कपड़े, मंडप, करावनी, ऐसी चीज़ों को हमने बंद करना है क्योंकि ये इसका दुष्प्रभाव समाज में जा रहा है और युवा पीढ़ी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और जो भी कुरीति है उसको बंद करना है। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत में अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी बिलसंडा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने दर्जनों गांव में सभाएं की और सरकार की नीतियां बताकर ग्रामीणों को जागरूक किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री बरखेड़ा ब्लॉक पहुंची, जहां उन्होंने नव निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों के लिए चल रही सशक्तिकरण प्रशिक्षण का समापन किया। वही कार्यक्रम के बाद उन्होंने वहाँ मौजूद सभी को चुनाव का एहसास दिलाया और कहा कि वह लोग उन्हें वोट करें। इसके बाद वह शहर के राजकीय इंटर कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने दिव्यांगजनों को उपकरण बांटे। बरखेड़ा में हुए कार्यक्रम के दौरान निपसीड व चाइल्ड लाइन का सहयोग रहा। रागी तेरे चरणों की, रागी तेरे चरणों की, कर धूल जब मिल जाए। पीलीभीत से ऋतिक त्रिवेदी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।